अस्सलामुअलैकुम, न्यूज़ 360 के नए मौजू के साथ मैं हूं अब्दुल कादिर। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं कराची के सबसे मशहूर जो ली मार्केट चौक पे। ये ली मार्केट जो चौक था, यहां पे बड़े जो है पत्थर खड़े होते थे, ये पूरा जाम हुआ कर रहा था। अब जो ली मार्केट जो चौक है, उसको एंटी इंक्रोचमेंट की जानिब से पूरा खाली करा दिया गया है। पूरे जो पीछे जो चौक था, यहाँ पे पूरा बस अड्डा था, इसको भी खाली करा लिया गया है। यहाँ पे गुज़िश्ता जो 3 रात पहले जो है वो यहाँ पे एक ऑपरेशन किया गया, जितनी भी यहाँ इंक्रोचमेंट की गई थी, पठारे खड़े हुए थे, रोड पे जो ठेले खड़े हुए थे, उनको हटा लिया गया है। जिसके बाद यहाँ के जो लोग हैं उनसे बात करेंगे, वो क्या कहते हैं, और यहाँ पे जितने आसपास के लोग हैं उनसे भी बात करते हैं, वो क्या कहते हैं। तो भाई जान, हम रात को गाड़ी 11 बजे बंद करके घर गया है, तो जाकर सो गया है, तो पीछे से KMC और DMC आया और हमारी गाड़ियां उठा कर ले गया, माल समेत ले गया, और हमारे को कोई ख़बर ही नहीं। फिर बाद में जब पता चला तो हम आए इधर, तो हमारी गाड़ियां ले गए, माल समेत ले गए, ना माल की खबर ना गाड़ियों की खबर। तो अगर ये हमारे को बता देते कि आज हमने कार्रवाई डालनी है या तुम हटा लो, तो हम गाड़ियों को कहीं आगे पीछे ले जाते। तो ये सब हमारी गाड़ियाँ ऐसे नहीं उठाते, सही है ना। तो हमारे से ये बहुत हमारे को दुख हुआ, क्योंकि हम जो है इनका खिदमत गुजार भी है, और ये हमारे से ऐसे ज्यादती भी करते हैं बगैर बताए। रात को हम, हमारे को क्या पता, दिन को आते ना ये हमारे हाथों से छीन कर गाड़ियाँ ले जाते, तो हमारे को परवाह ना होती, कोई फिक्र ना आता, सामने ले गए। ये तो रात को आए अंधेरे में डाका मारने, चोरी करने, इसको चोरी बोलते हैं, डाका बोलते हैं। ये कोई मुल्क का या मार्केट का या हमारा कोई तहफ़ नहीं है, हैं। तो ये हमारे को इस बात का बड़ा दुख हुआ, जो ये रात को गाड़ियां उठा कर ले जाते हैं। इनको आसानी करना चाहिए, इनको सुबह या दिन को बताना चाहिए, यार आज तुम गाड़ियां नहीं लगाओ। ये क्या समझते हैं, ये जो रोड है इस पर जितने पठार खड़े हुए हैं, इसके हवाले से आपको नोटिस पहले मिले? सब ऐसा तो कहा गया हो कि भाई ये पठारे जितने भी खड़े हुए हैं, ये रोड को पूरा जाम कर दिया, इस पे जो है हटाए जाए। तो जब ये सब हमारे को बोलते हैं तो हम हटा देते हैं इनसे, एक से दूसरी बात नहीं करता। आपका रात को ठेला लेके आए जी? परसों क्या था ठेले? फ्रूट वगैरह था, कारोबार नहीं है, तबाही सरकार ने हर तरफ तबाही मचाई हुई है, दुकानें गिरा रहे हैं, मकान गिरा रहे हैं, कैसी गवर्नमेंट। तो आपका रात को अंधेरे में ठेला जब ले गए, तो आपको पता था कि हमारे ठेले लगे? ये रात के अंधेरे में ही सब कुछ करते हैं, दो नंबर काम रात को ही होते हैं। अच्छा, इन्होंने भी नोट ठेले, आपको कोई नोटिस दिया क्या जो रोड पे ठेले दिए? कोई नोटिस? अच्छा, कोई नोटिस। अच्छा, आपका जो ठेला, और कितने लोग थे जिनके ठेले ले गए आप? 15-20 लोग। दो बढ़िया गाड़ियाँ बाहर के ले गए और फ्रूट के साथ ले गए। सब बेचारों का फ्रूट लगा हुआ था, करेने लाए ये लोग और करेने ला के ऐसा ही डाला है उसके अंदर, गाड़ियों के अंदर, और दो गाड़ियां बाहर के ले गए। जब ये लोग सुबह आए तो सब रो रहे थे, अपने बच्चों का रोज़गार, कोई किधर से आए हुए हैं, कोई किधर से आए हुए हैं, बच्चों के जो रोज़गार था वो सारा मतलब उठा के ये लोग ले गए। तो इधर फिर किधर इतने जल्दी, ये सारा पूरा मार्केट खाली हुआ पड़ा है। अभी किसी ने यह लंडा ख़रीदा हुआ है, किसी ने क्या खरीदा हो, जो बच गए हैं उन्होंने तो फ्रूट लगाया हुआ है, जिनका क्या, उन्होंने बेचारों ने उधारा यह लंडा लेकर आए, और यह लंडा जो है अभी लगाया हुआ है, इस पर बच्चों की रोजी को मार। ये रोड जो है सर्विस रोड, इस पे कहते हैं कि पूरा जो है ठेले खड़े हो गए, जिसको खाली करा। कोई नहीं, ठेले किधर खड़े हो गए, ये रास्ता बीच में निकाल दिया, पहले ये रास्ता नहीं था, ये ठेले थे, ये 60-70 साल से इधर से ठेले लग रहे हैं जब से ये पाकिस्तान बना है। तो इन्होंने फिर क्या किया, ऐसे एक दिन आए, भरी हुई गाड़ियाँ उठा कर ले गए, फिर इधर से रोड निकाला। अब इधर खड़े होते हैं, तो जैसे ही खड़े होते हैं तो उसके बाद ये आते हैं, अपनी पैदा बनाई हुई है गाड़ियाँ ले जाते हैं, फिर 5-5 हज़ार रुपये आदमी ले के छोड़ते जाते हैं, फिर ये वापस आ जाती हैं, ये हाल बना हुआ है इधर। अब लो मजे तब्दीली के। जी सर, ठेले वेले उठा के ले गए थे, बहुत सारे लिफ्टर लेके आए थे, 5-6 गाड़ियाँ लिफ्टर से उठा के ले गए थे। रात को ठेले हट जाते हैं, कोई एक आध बाकी होता है वो भी हटा लेते हैं, गोदाम में ले जाते हैं, तो कार्रवाई होती है। गरीब आदमी है, कैसे कमाए, बहुत परेशान है, जिनको कारोबार होता नहीं है, रात को दुकानदारी होती है, एक्शन लेते हैं, क्या करे गरीब आदमी, किधर जावे, रोटी कैसे कमावे, बहुत परेशान है। यकीन माने कर्जे के ऊपर डूबे हुए, परेशानी आज किसी के लिए, हर कोई परेशान है, रोजी रोजगार के लिए हुकूमत के पास एक्शन ले लेती है, पठारे ले जाते हैं, पैसा दो फिर ले आओ।
एंटी इंक्रोचमेंट की टीम कह रही है कि रोड पे जो ट्रेनें खड़े हो जाते हैं उसके बाद हम कार्रवाई करें। नहीं, कार्रवाई करते हैं हर वक्त, करते हैं 24 घंटे, किसी वक्त भी आ जाते हैं KMC वाले, DMC वाले, कार्रवाई करते हैं, भाग जाते हैं, क्या करें, गरीब आदमी है, कोई पक्की मुकम्मल जगह तो नहीं है ना, बस गुजारा करते हैं, पुलिस एक्शन लेती है या KMC DMC आती है तो फिर भाग जाते हैं। हर कोई अपने अपना पैसा ले रहे हैं, गरीब आदमी जुल्म करते हैं, माल ले जाते हैं फिर माल वापसी नहीं देते, नुकसान करते हैं, किसी का 3 लाख नुकसान है, किसी का 10 लाख है, सब मंडी के कर्जाई हैं, कोई भी इधर अमीर नहीं है, सब गरीब हैं, अभी मजदूरी से कर रहे हैं, रात को बच्चों को रोटी तो देनी है ना, लेकिन इस बात को नहीं समझते। तकरीबन 8-10 लेकर गए थे। तो ये क्या रोड पे खड़े होते हैं या क्या वजह होती है? कोई वजह नहीं है भाई, जब ऑपरेशन होता है लेके जाते, शुरू से लेके जा रहे, कोई नया काम तो है नहीं। ये ली मार्केट का मेन चौक है, यहाँ अड्डा पीछे खाली करा दिया गया है, तो कह रहे हैं कि अब इस तरफ जो उल्टे आते भी हैं कुछ, ये जो ठेले वगैरह खड़े हैं, ये इसकी वजह से भी ट्रैफिक जाम होती है, क्या वाकई में ऐसी है वजह? ये पूरे पाकिस्तान में लगे हुए हैं, कौन सी जगह यहाँ पे ठेले नहीं है, हर जगह पे लगे हुए हैं, सब अपना रोजगार कर रहे हैं, गवर्नमेंट रोजगार दे, ठेला कौन लगाएगा, कोई भी नहीं लगाएगा, मजबूरी है, फिर काम तो करना है। नहीं, वो बहुत अच्छा है, ताकि रोड खुला हो जाता बेटा, और रोड खुला होने की वजह से पब्लिक को कितनी आसानी हो जाती है, गरीबों को आसानी हो जाती है, चलने वालों को आसानी हो जाती है, बहुत अच्छा, अच्छी चीज़ है ये, बहुत अच्छा काम है। समझे, ये जो पठारे बेचार रात को आकर खड़े हो जाते हैं, उनका काम जो है बेचार का कल सुबह में रुक जाता है, इस पर नहीं, इनका भी कुछ होना चाहिए बेटा, ये बेचारे गरीब है, बेचारे अपने पेट के लिए खड़े हैं, तो इनको कोई ऐसा मुतबादल जगह दो, समझे, सही जगह इनको दो, ये भी अपनी सही जगह पे खड़े रहे बेचारे, ताकि ये भी अपने बच्चों की रोजी कमा रहे बेटा, और दूसरा ये कि चलने वालों के लिए आसानी हो, ताकि लोग चल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, ट्रैफिक जाम ना हो, चलने के लिए आसानी हो, और इनका भी बेचारों का, गरीबों का भला हो, समझे, ऐसा ऐसा मुतबादल हल होना चाहिए बेटा, गरीबों का भला होना चाहिए, समझे, इसी में हमारी सबकी भलाई है, गरीबों का भला हो इसमें हमारी सबकी भलाई है बेटा, समझे, ये भी हमारे भाई हैं, बेचारे गरीब हैं, समझे, अपनी तरह, और मुसलमान हैं, मुसलमान एक दूसरे का भाई भाई होता है, समझे, तो आप लोग ऐसा कुछ करें कि इनके लिए भी अच्छा हो जाए, और चलने वालों के लिए ट्रैफिक भी जाम ना हो, और ये भी अच्छा हो जाए, सब अच्छा हो जाए, बस ये मैं तो ये बात करता हूँ, समझे, अल्लाह सबका भला करे, सबको अल्लाह अपनी अमान में रखे बेटा, बहुत शुक्रिया बेटा। क्या कहेंगे सर, रात में जो कार्रवाई की गई, इस पे क्या कहेंगे? ये नाजायज है ना जी, जुल्म है, ये रात को खड़े होते हैं तो इंक्रोचमेंट तो नहीं करते, हम लोग ऐसे खड़े करते हैं, टायर वाली रेडी हैं, ये को गवर्नमेंट की तरफ हलाव है भाई, आप चला सकते हैं पाकिस्तान में रेडी, और रात को हम खड़ा करते हैं और उठा के ले जाते हैं, फिर बता रहे पैसा ही लेते हैं, पैसे फिर तो नहीं छोड़ते, पाकिस्तान है ये। कोई नोटिस दिया गया था आपको? नहीं, कोई नोटिस नहीं होता है, यहाँ पर 40-45 साल से रात को इधर खड़े होते हैं, चौकीदार होता है, बच्चों में सोए होते हैं, तो नोटिस नहीं है, कोई नोटिस नहीं है जी, हम लोग सोए हुए थे घर में। जिना दिन ये ली मार्केट का जो मेन चौक है, यहाँ पे KMC DMC के जान से जो एंटी इंक्रोचमेंट की जो टीम थी, बशीर सिद्दीकी की जो सरबराही में जो टीमें होती है, वो मुख्तलिफ जो पठारे होते हैं उनको हटाने का काम अभी भी जारी है, लेकिन उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है कि जितने भी फुटपाथ पे और जो जितने भी ठेले खड़े हों या जितने भी पठारे खड़े हों उनको हटाया जाए, लेकिन उस हाल से जो बशीर सिद्दीकी साहब ने ये कहा था कि कुछ दिन पहले कि हम जो है जितने भी इंक्रोचमेंट जगह पर की जाएगी उसको हटा दिया जाएगा, लेकिन इस वक्त जिस जगह पर मौजूद है ये जो है ली मार्केट है, यहाँ पर हमने जितने भी रेड़े वाले थे जिनके जो परसों रात को जो कार्रवाई की गई उनके जो पठारे थे उनको हटा दिया गया, उनसे बात की, उनका ये कहना था कि रात को हमें पहले बताया जाता तो हम हटा लेते, लेकिन उससे पहले जो कार्रवाई की गई वो रात को की गई, इस वजह से जो है हमारा लाखों का जो माल पड़ा हुआ था जो हमने लिया था, जो वो हमने एक दिन पहले लिया था जिसमें फ्रूट का भी था, उसके बाद लुंडे का माल था जो लेकर चले गए, हम उनको दरख्वास्त करते हैं हमें जो है पहले बताया जाए जिसके बाद कार्रवाई की जाए जी।